के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिसके निशान सालों साल तक नहीं जाते। उन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क। प्रेगनेंसी के 13वें से 21वें हफ्ते में यह निशान उभरने शुरू हो जाते हैं, जो आसानी से नहीं जाते। करीब 90% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर, थाइस पर, हिप्स पर और ब्रेस्ट पर पिंक, रेड, ब्राउन या पर्पल कलर के स्टॉक जैसे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों पड़ जाते हैं इस तरह के स्ट्रेच मार्क और इन्हें कैसे दूर किया जाए। स्ट्रेच मार्क एक तरह से घाव का निशान है जो स्किन के बहुत जल्दी फैलने या सिकुड़ने की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अचानक बढ़े वजन की वजह से भी महिलाओं में स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। हर महिला का स्किन टेक्चर और स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। यही वजह है कि कई बार महिलाओं में कम वेट गेन के बाद भी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। अगर स्ट्रेच मार्क का सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह गहरे गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जिसे हटाना मुश्किल होता है। एलोवेरा स्किन टिश्यूज़ को जनरेट करता है, साथ ही इसमें हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्ट्रेच मार्क को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रोज़ाना एलोवेरा जेल से मसाज करें और 15 से 20 मिनट बाद ताज़े पानी से धो लें। नींबू नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होती है। जब इसे स्ट्रेच मार्क वाली जगह पर लगाया जाए तो धीरे धीरे हल्के होते चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रोज़ाना नारियल के तेल से स्ट्रेच मार्क वाली जगह पर मालिश करने से कुछ समय बाद स्ट्रेच मार्क दूर हो जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल और माइक्रो इन्फ्लेमेटरी गुण स्किन को आसानी से अब्जॉर्व कर लेता है, जिससे स्ट्रेच मार्क गायब हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क को कम करने के अन्य भी तरीके हैं, जैसे वजन को कंट्रोल में रखें, जितना हो सके पानी और लिक्विड का सेवन करें और हाइड्रेट रहें। डाइट में हेल्दी चीज़ें और विटामिन सी की मात्रा अधिक लें। ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें जिंक की मात्रा अधिक हो। मॉइस्चराइजर और एसेंशियल ऑयल से रोज़ाना मसाज करें।